जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी जेएफ किल्वी, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपके ऑप्शन ए एट्रिस, ऑप्शन बी एनाइक, ऑप्शन सी टेंडा, ऑप्शन डी नोवेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनाइक। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनाइक था। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1946। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए गणना करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी परिगणक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, डी याहू, सी बैडू, डी वॉलफार्म अल्फा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वॉलफार्म अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1024 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 TB। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1024 KB। 1 MB बराबर 1024 KB होता है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 TB। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1024 MB। 1 GB बराबर 1024 MB होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 14,
इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। ऑप्शन ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी लोगो, ऑप्शन डी पायलट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोगो। क्वेश्चन नंबर 16, एक हुआ निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मिनी फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन सी वर्कशॉप, ऑप्शन डी PDA। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन तरक एक प्रोग्राम है वह निम्नलिखित में से किसे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ऑप्शन ए मशीन से निम्न स्तर तक, ऑप्शन बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ऑप्शन सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, ऑप्शन डी कोडांतरण से मशीन तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोडांतरण से मशीन तक। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग होती है ऑप्शन ए एक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन सी बिना किसी प्रोसेसर के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीडी रोम। क्वेश्चन नंबर 20, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ऑप्शन ए माइक्रो, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी अर्थमेटिक या लॉजिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थमेटिक या लॉजिक। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।